गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों हम लोगों ने अपना सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया था मोर ऑन पावर पॉइंट 2007। एंड बच्चों हम लोगों ने अभी तक कौन से दो टॉपिक कवर कर लिए, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट और चेंजिंग द फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज और फॉन्ट कलर। जिस बच्चे ने अभी ये दो टॉपिक नहीं कवर किए हैं वो बच्चा पुरानी वीडियो को देखेगा, और मैंने होमवर्क ग्रुप में सेंड किया था, वहाँ से अपना होमवर्क कंप्लीट करेगा तभी आगे के टॉपिक सबको अच्छे से समझ आएंगे। इसलिए आई वुड रिक्वेस्ट एवरी स्टूडेंट टू सी द वीडियो एंड डू द होमवर्क रेगुलरली। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग करेंगे फॉर्मेट पेंटर। सभी बच्चे पेज नंबर 28, 29 और 30 के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या लिखा है फॉर्मेट पेंटर? दिस इज़ एन यूजफुल ऑप्शन टू अप्लाई द सेम फॉर्मेट ऑफ अ पर्टिकुलर टेक्स्ट ऑन टू अनदर टेक्स्ट व्हेन पेंटेड ओवर इट। दिस कैन बी ईदर ऑन द सेम और डिफरेंट साइड। क्या होता है फॉर्मेट पेंटर? ये एक बहुत यूजफुल ऑप्शन है जो अप्लाई करते हैं हम सेम फॉर्मेट के लिए किसी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट का दूसरे टेक्स्ट पर, जब हमें उसके ऊपर रीराइट करना हो। स्टेप्स क्या हैं? जैसे हमने स्टेप्स यूज़ कर रहे हैं फॉर्मेट प्रिंटर के, तो क्या स्टेप्स होंगे? हमने टाइप किया ताजमहल। क्या टाइप किया? ताजमहल। सेकेंड, अप्लाई अ पर्टिकुलर फॉन्ट स्टाइल साइज एंड कलर टू द टेक्स्ट। अब आपको कोई पर्टिकुलर फॉन्ट स्टाइल या फॉन्ट साइज और कलर ताजमहल को देना है। फॉर एग्जाम्पल, ताजमहल आपने उसको ब्लैक दिया, आपने फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल रखा और कलर दे दिया ब्लैक। फिर आपने टाइप किया द ग्रेट वॉल ऑफ द चाइना। फिर आपने क्या किया नेक्स्ट स्टेप? आपने सेलेक्ट किया ताजमहल को। आपने जैसे ही ताजमहल को सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने होम मेन्यू रिबन पे क्लिक किया और वहाँ पर जाकर फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन क्लिपबोर्ड बोर्ड पर क्लिक कर दिया, तो जो आपका कर्सर है वो चेंजेस हो जाएगा ब्रश पर। और फिर आपने सेलेक्ट किया द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो क्या होगा कि जो आपका फॉर्मेट टेक्स्ट है वो बिल्कुल सेम हो जाएगा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का, जैसे ही हमने अप्लाई किया था ताजमहल पर। जो हमारा फॉन्ट स्टाइल साइज कलर ताजमहल पे अप्लाइड होगा, वही हमारा अप्लाई हो जाएगा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे। अब फॉर्मेट टेक्स्ट करने के और भी थोड़े फीचर्स हैं। क्या बोल्ड? आप देख सकते हैं आपको कमांड्स और ऑप्शन दिए हैं, उनका यूज़ क्या है। बी क्या है? बोल्ड। अगर आपको अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, बोल्ड करना है, तो आप बोल्ड ऑप्शन का यूज़ करोगे। अगर आप चाहते हो कि जो आपकी टेक्स्ट है वो इटैलिक्स फॉर्म में आए, तो हम क्या करेंगे? हम आई को यूज़ करेंगे। आई क्या करती है? दिस ऑप्शन इज़ यूज टू मेक द टेक्स्ट इटैलाइज्ड। यू क्या है? अंडरलाइन। अंडरलाइन करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे हम? यू, नीचे उसके लाइन बनी होती है। तो बोल्ड, इटैलिक्स और अंडरलाइन, ये तीन हैं। और क्या कर सकते हैं हम? अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं लेफ्ट, सेंटर, राइट और अलोंग बोथ द मार्जिन्स। तो लेफ्ट करना है तो हम लेफ्ट अलाइन को सेलेक्ट करेंगे। अगर हमें सेंटर अलाइनमेंट का यूज़ करना है तो हम सेंटर अलाइनमेंट ऑप्शन को यूज़ करेंगे। राइट अलाइनमेंट ऑप्शन को यूज़ करना है तो राइट अलाइनमेंट ऑप्शन यूज करेंगे। अगर दोनों तरफ हो जस्टिफाइड, मैंने आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था टेक्स्ट अलाइनमेंट के ऊपर, जिसमें जस्टिफाइड था वो अलोंग बोथ द मार्जिन्स होता है, तो हम ये वाला ऑप्शन करेंगे। अगर हमें बुलेट्स और नंबर अपने अपीयर कराने टेक्स्ट को, तो हम बुलेट्स और नंबर भी अपीयर कर सकते हैं। अनदर वंडरफुल ऑप्शन टू इन्हांस द अपीरियंस इज टू यूज़ वर्ड आर्ट फीचर। अगर हमें अपने टेक्स्ट को और इन्हांस करना है तो हम वर्ड आर्ट फीचर का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए क्या स्टेप्स हैं? आप गए इंसर्ट मेन्यू अपने रिबन टैब पर, फिर आपने क्या किया वर्ड आर्ट ऑप्शन पर क्लिक किया। पहला स्टेप क्या है बच्चों आपका? आपका पहला स्टेप है, आपने क्लिक किया इंसर्ट मेन्यू पर रिबन टैब पर। फिर आप जैसे ही इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखेंगे ढेर सारे ऑप्शंस, उसमें से आपने वर्ड आउट ऑप्शन को क्लिक किया। जब आप लोग वर्ड आउट ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ढेर सारे स्टाइल्स अपीयर होंगे, जैसे आपको यहाँ अपीयर हो रहे हैं वैसे ही ढेर सारे स्टाइल अपीयर होंगे। तो आप अपना आर्टिस्टिक स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हो।
और फिर आपका जो टेक्स्ट है आप उस टेक्स्ट पे लिख सकते हो। जैसे आपने ग्रीन कलर का चूज़ किया, उसकी नीचे शेडो आ रही है, तो हमारा जो सेव द प्लैनेट है वो उसी वर्ड आर्ट फीचर में अपीयर हो रहा है। यू कैन ऑल्सो चेंज इट्स कलर, एड इफेक्ट्स फ्रॉम द वर्ड आर्ट स्टाइल्स ग्रुप, रोटेट एंड अलाइन द टेक्स्ट फ्रॉम अरेंज ग्रुप। ये मैं आप लोगों को अब की लैब क्लास में बताऊंगी कि इस लाइन को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। पर अगर आपको वर्ड आर्ट फीचर का यूज़ करना है तो आप सिंपली इंसर्ट मेन्यू पे जाएंगे, वर्ड आर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर आपने कोई भी अपना आर्टिस्टिक स्टाइल सेलेक्ट कर लिया और अपना आप टेक्स्ट फिर लिख सकते हो, टाइप कर सकते हो। आज का जो होमवर्क है वो ये है कि आपको स्टेप्स लिखने हैं कि आप फॉर्मेट पेंटर कैसे यूज़ कर सकते हो। सभी बच्चे ये होमवर्क कंप्लीट करेंगे एंड देन सेंड करेंगे।